नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता, सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्राइम पब्लिक और सरकार में आज हम मोहनलालगंज में पहुंचे हैं, जहां पर हम पब्लिक का एक रिव्यू ले रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन अपनी सत्ता बनाएगा। आज मोहनलालगंज के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सीधे बात करते हैं कि उनका नज़रिया क्या है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर, और क्या चाहते हैं वो, कौन सा विधायक चाहते हैं, कौन सी पार्टी को वो वोट देना चाहते हैं। तो यहाँ कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? इब्राहिम। इब्राहिम जी, अब ये बताइए, 2022 का विधानसभा चुनाव सर पर है, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार अपनी सरकार बनाएगी? सरकार यहाँ तो बन रही है। बन तो रही है, आप किसको वोट देना चाहेंगे, तो कौन सी सरकार सत्ता में आएगी? सत्ता में यह है, यही सत्ता, हम पार्टी की बात कर रहे हैं, तो आप बीजेपी पार्टी की बात कर रहे हैं, सपा पार्टी की बात कर रहे हैं या भाजपा बसपा की बात कर रहे हैं, कौन सी पार्टी इस बार? बीजेपी की पार्टी पे इतना ज्यादा क्यों? अब क्यों का, हमारी मर्जी है। अच्छा, मर्जी है, तो कुछ ऐसा आपको कुछ ऐसा दिखता होगा जिसकी वजह से आप बीजेपी पार्टी को? न हुई तो फिर कैसे आए भर लिया। आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार यादव। प्रमोद जी, आप बताएं, आप किस पार्टी को चाहते हैं कि इस बार वो सत्ता में आए? हम 10 मार्च के पहले कुछ नहीं बोल सकते जी। सीधी बात, 10 मार्च के बाद बोलेंगे, क्या होना क्या नहीं होना चुनाव संबंधी 10 मार्च पहले हम कुछ नहीं बोल सकते। फिर भी आप, अगर हम एक पार्टी का आकलन करने की बात करते हैं, पार्टी बारे में नहीं बोलेंगे, किसी भी पार्टी बारे में नहीं बोलेंगे, 10 मार्च के बाद बोलेंगे जो बोलना है। हाँ, तो यहाँ अभी फिलहाल अभी 10 मार्च के बाद वो बोलने की बात कर रहे हैं कि उनको अभी ऐसा कोई विशेष टीका टिप्पणी नहीं करनी है। अभी हमारे साथ और एक दादा भी मौजूद है। दादा, क्या नाम है आपका? हमारे बाबूलाल। बाबूलाल, बाबूलाल, आप कई समय से अब चुनाव इलेक्शन सब जमा वोट देते आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार सत्ता में आएगी? पार्टी कौन सी पार्टी, अब बीजेपी आएगी, बसपा आएगी, आपको क्या लगता है किसका रुझान, किसकी तरफ रुझान आपको ज्यादा लगता है? अरे यही आएगी, मोदी। मोदी? हाँ, मोदी के लिए बोला जाता है, तो आखिर मोदी में ऐसा क्या है खास? अब इका भाई नहीं पंचे लोग जान सकत, हम तो पढ़े लिखे हाल नहीं जी, हाय बात के नहीं जी, जैसे सब कुछ दे दे वैसे। आप किसको वोट देने वाले हैं? हम तो मोदी को दिया, मोदी को देंगे, तो कुछ ऐसा काम आपने देखा होगा ना जिसकी वजह से आप मोदी को वोट देंगे? खाने पीने का सब बढ़िया इंतजाम करा है, वो गल्ला बांटता है जी, नहीं आदमी भूखल मर जाते जी। तो ये भी मोदी की बात कर रहे हैं, क्योंकि सब खाने पीने की व्यवस्था उन्होंने दुरुस्त कर रखी है। यहाँ और भी हमारे साथ कई लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी जानेंगे कि वो किसको वोट देना चाहते हैं और किसकी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजू। है? राजू। क्या करते हैं आप? मजदूरी। मजदूरी करते हैं, महीने में कितना कमा लेते हैं? 300 रुपये, मान लो 9000 रुपये महीने। अच्छा, आप चुनाव के बारे में तो सभी को पता है, चुनाव होता है, आप एक नेता चुनते हैं और उसमें आप उस नेता को चुनते हैं जो आपके लिए विकास का काम करे या आपके फायदे की बात करे, तो आप कौन सा नेता चुनना चाहेंगे? भाजपा। भाजपा, भाजपा सरकार ही क्यों? क्योंकि तो खाने पीने के लिए कुछ सुविधा सही किया है जी। और बचाने के लिए, मान लो इतनी जमीन बच गई, नहीं तो तिखन चली गई होती जी। अच्छा, आप जानते हैं कि आपके मोहनलालगंज क्षेत्र से कौन भाजपा का चुनाव लड़ रहा है? सूरज। भाजपा का चुनाव कौन लड़ रहा है? अमरेश कुमार। अमरेश कुमार जी, अमरेश कुमार अगर यहाँ पे अपनी विधायक बन जाते हैं तो आप क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? उनसे ये उम्मीद है कि मान लो बन जाएंगे तो कम से कम खेती के लिए थोड़ा रौनक और बढ़ा देंगे, जौन बची खुची है हर जन की, तो मान लो कम से कम यही अति बची है कि मान लो कम, नहीं तो अति खन सब कूड़ा में चली गई होती, बेच बुकन देती सरकार, सब यही के निदेखा जाती।
यहाँ मोहनलालगंज की जनता से हम बात कर रहे हैं। मोहनलालगंज की जनता में अधिकतर रुझान जो है वो बीजेपी पार्टी का देखने के लिए मिल रहा है। और भी लोग, क्या नाम है आपका? भगवती प्रसाद। आप ये बताइए कि आपका रुझान किस पार्टी की तरफ? भाजपा। भाजपा जी, क्या कारण है? बहुत अच्छा काम कर रही ना जी। जैसे आपको क्या ऐसा लगा खास जिसकी वजह से आप भाजपा को चाहते हैं कि वो एक बार फिर से सरकार में आए? सरकार तो आनी है, लेकिन मेरा विधायक आज तक चुना नहीं गया। मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र से आज तक विधायक नहीं चुना गया, इसलिए कि अब अगली बार जरूर जीते, क्योंकि हमारे यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ। कहीं आप लोग देख रहे हैं जो नगराम रोड जा रहा है, साला ध्वस्तीकरण एकदम पड़ा हुआ है। सपा को हुआ, BS4 हुआ, कोई विधायक यहाँ पे कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अब की बार तो भाजपा सरकार। तो आपको लगता है कि आप भाजपा सरकार को जिताते हैं तो आपके जो विकास कार्य जो अभी तक आज तक नहीं हुए हैं वो होंगे? बिल्कुल पूर्ण होंगे। पूर्ण होंगे, आपको पूरा विश्वास है? पूर्ण विश्वास। इनको भी पूरा विश्वास है भाजपा के ऊपर कि आज तक जो विकास कार्य इनके क्षेत्र में नहीं हो पाए हैं वो क्षेत्र इन पे यहाँ पे काम होगा। यहाँ पे एक और हमारे साथ में मौजूद है, आपका नाम क्या है? जागेश्वर जी, आप जानते हैं, आपने भी कई बार चुनाव में अपना वोटिंग दिया होगा जी। तो आप किसको चाहते हैं कि सरकार बने? हम तो ये भाजपा की चाहते हैं। भाजपा की सरकार? आप भाजपा की सरकार से क्या चाहते हैं? अरे सबसे बड़ा तो मोदी जी ने ये कि राष्ट्र को संभाल दिया जी। बॉर्डर पर जो सैनिक चढ़ नहीं पाते तो वहाँ रोडे बन गई है, और जो देश हिफाजत में रहेगा है तो हम भी हिफाजत में रहेंगे। पहले देश है, बाद में वोट है, है, और ये तो आना जाना रहेगा। अब यहाँ पे बीजेपी सरकार से यहाँ पे अमरेश कुमार रावत अपनी दावेदारी कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं अपने विधायक का? है अच्छा काम करेगा जी, आपको पूरा विश्वास है जी? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और भी तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनकी क्या राय है सरकार को लेकर, चुनाव को लेकर क्या समझते हैं? सीधे बात, क्या नाम है आपका? राजाराम। राजाराम, अच्छा, ये आप कई समय से चुनाव इलेक्शन में अपना वोटिंग देते आ रहे होंगे, आप किस सरकार को चाहते हैं कि वो सत्ता में आए? बीजेपी। बीजेपी, बीजेपी क्यों? बीजेपी लाभ देती, राशन देती है सबको। अच्छा, सब लोग राशन और उसकी बात कर रहे हैं, आप कोई और चीज बताएं कि मतलब ऐसा राशन पानी तो सबको पता है, क्या आपको लगता है कि वो सरकार आएगी तो और विकास कार्य कर पाएगी? हाँ, विकास करेगी। विकास के नाम पे आप क्या चाहते हैं अपनी सरकार से? बिजली भी माफ करेगी कैसे जी, और अगर माफ नहीं करी तब आप क्या करेंगे? अरे तो फिर हम क्या, लड़ाई तो करेंगे नहीं। वैसे हर लोग, सभी लोग इस तरीके के दावे कर रहे हैं, और सब लोग बोल रहे हैं कि हम बिजली माफ करेंगे, विकास कार्य करेंगे, तो ऐसे तो सब लोग बोल रहे हैं, तो आप सिर्फ बीजेपी पे ही क्यों? बीजेपी हमको अच्छी लगती है, इसलिए। बीजेपी अच्छी लगती है भाई, इनको भी बीजेपी अच्छी लगती है, और ये बीजेपी की ही बात कर रहे हैं, इनको भी लगता है कि बीजेपी आएगी तो उनके विकास कार्य होंगे, राशन पानी इन लोगों को मिल रहा है। लोगों से भी बात करना चाहेंगे कि किस क्या चाहते हैं वो इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में। प्राइम पब्लिक और सरकार में आज हम मोहनलालगंज विधानसभा में आज पहुंचे थे, जहां पर तमाम लोगों से बातचीत हुई है। इस वक्त हमारे साथ में कुछ और लोग भी मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे कि इस बार 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें किसकी सत्ता आने वाली है। तो आज हमारे साथ अभी कुछ मौजूद हैं लोग, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय। संजय जी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी सत्ता आएगी? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। आप अखिलेश यादव की सरकार की बात कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? महंगाई, बेरोजगारी। पर अभी महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो मोदी सरकार है वो बोलती है कि हमने कई विकास कार्य किए हैं। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, हमारे गांव के हालत देखिए, नाला जी। आपको लगता है कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो आपकी जो महंगाई और बेरोजगारी की जो बात कर रहे हैं वो दूर हो पाएगा? और अभी अखिलेश यादव की सरकार आ जाती है तो उनसे और क्या क्या आप चाहेंगे कि यहाँ पे क्या और चीज होनी चाहिए? अरे हमारे चौराहे पे लाइट हो गए, नल नहीं है, नल विधायक जी आए कई बार, आए लोगों से, हमने इस सरकार में कहा नल लगने के लिए जी, सोलर लाइट लगने के लिए, ये कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ।
अभी तो यहाँ पे मोहनलालगंज से तो अभी सपा की ही सरकार थी, अमरीश पुष्कर जी यहाँ के विधायक थे। सपा उनकी नहीं थी ना। अच्छा आपका नाम क्या है? अनिल कुमार यादव। अनिल कुमार जी, ये बताइए कि आप किसको वोट देना चाहेंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, आपका क्या कारण है? कि बस वही कारण है हमारा कि जब सरकार बनी तो सरकार होगा बढ़िया होगा। तो हो जाएगा तो फिर देखा जाएगा कि सरकार बनेगी ना तो सरकार तो होगा ही पक्का ही। वही यहाँ पे भी अखिलेश यादव की सरकार ये लोग चाहते हैं और भी मौजूद है उनसे आप किसी सरकार चाहते हैं? बस वही जो भाई लोग बताए हैं उसी को जा रहे हैं। अच्छा ऐसा तो नहीं कि भाई लोग अभी यहाँ बता दिए? नहीं 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 नहीं, और पीछे से जाके कमल का बटन आने वाले और जाने वाले कोई बात नहीं है, बस वही है कि जो सब साथ में रहते हैं यही रहने वाले हैं। अच्छा लोग यहाँ पे बोलते हैं, सरकार भी बोलते हैं कि इस मतलब पिछली सरकारों में सिर्फ जुमलेबाजी हुई थी, कुछ भी काम नहीं हुआ था और इस सरकार में काम हुआ है, उसमें क्या कहेंगे? काम के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हमको तो जो चाहिए भाई हमारा जो हम काम कर रहे हैं उसको कोई ख़त्म नहीं कर देगा, हम मजदूरी कर रहे हैं वो कोई नहीं ख़त्म कर देगा जो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए जो कि समाज सेवक हो, समाज के लिए काम करे, उसको सरकार ने भाजपा हो या सपा हो इसके लिए हमें कह रहे हैं, बस इतना समाज कहना है। भाई लोग बताएं तो हम भी चाह रहे हैं सपा एक बार उनको देख लिए हैं, अब सपा को भी देख लिया जाए, उससे पहले देख भी चुके हैं सपा को। ऐसा नहीं तो अभी देखने की बात आप कर रहे हैं तो अभी मौजूदा विधायक तो सपा सरकार के ही हैं। यहाँ मौजूदा विधायक सपा के कहाँ हैं? सपा के अमरेश पुष्कर जी थे लेकिन हम जो है यहाँ से हट के हैं, हमारा बीजेपी है, हम यहाँ से बीजेपी से हट के हैं। चलिए ठीक है, जो है ठीक है, अच्छी बात है, सरकार किसी को हो, सबका विकास सबका वो हो, बस यही है। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो लोग भी कुछ कहना चाहते हैं कि किस इस बार जो विधानसभा का चुनाव है इसमें किसकी सरकार बनने वाली है, तो क्या नाम है? आप क्या कहेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव? हम तो ये कह रहे हैं परिवर्तन चाहिए इसलिए कि इतना जानवर से पीड़ित है यहाँ की जनता। हाँ। और आम लोग स्वास्थ्य सेवाएं वो चरमरा रही है। हाँ। और लाभ केवल 2 किलो 5 किलो अनाज महीने में देने से किसान का पेट नहीं भर जाएगा। राजनेता अपनी तो हर बार जो है पेंशन भी बढ़ा लेते हैं और जय बार विधायक रहते इतनी बार इतनी पेंशन बढ़ा लेते, लेकिन आम किसान का 2000 रुपये मंथली देने से क्या परिवार चल जाएगा? या 5 किलो राशन देने से परिवार चल जाएगा? लेकिन जब 5 क्विंटल साल जा रहा है उसका क्या ऑप्शन होगा? यहाँ जनता त्राही त्राही कर रही है और ये कह रहे हैं कि कार्य होगा क्या होगा, कानून व्यवस्था पर घेर रहे हैं, अपने मुद्दे हटाने के लिए विपक्ष के ऊपर डाल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से एक तो जो है मुंह मोड़ रहे, जो मौजूदा सरकार है उसको कानून व्यवस्था सुधारना चाहिए कि विपक्ष को जी। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम कर रहे हैं जी। आप क्या बोलेंगे? जी हम ये बोलेंगे महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी है, नौजवान घूम रहा है, कोई काम नहीं, सरकार बदलनी है, सपा आनी है। तो आपको नहीं लगता कि इस मौजूदा सरकार में कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं, ना सड़क है, ना कोई नया काम, बस पुराना काम वही पत्थर लगाना, फीता काटना, तो नया काम कोई नहीं। महंगाई चरम सीमा, पेट्रोल डीजल हर चीज महंगा। पर अभी जिस तरीके से कोरोना काल चला था उस समय में जो आप सरकार की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि लोग सिर्फ अपने घर में बैठ के कर रहे थे, उन्होंने लोगों का सहयोग नहीं किया, जबकि बीजेपी सरकार ने घर घर राशन पहुँचा के काम किया। राशन वाली बात नहीं, राशन 5 किलो देते हैं, राशन नहीं चाहिए, काम चाहिए, रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार की भी बात है, लेकिन 5 किलो राशन से कोई परिवार तो नहीं चला पाएगा, राशन के अलावा और भी खर्चे आते हैं, गैस है, तेल मसाला है, हर चीज आता है, 5 किलो राशन में कुछ नहीं होगा। हाँ। राशन ना दे, काम दे। लोग अभी बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में अभी सबको राशन पानी सब मिल रहा है, पहले राशन पानी हमें तो नहीं मिला। तीन महीना मिला है, उसके बाद कट गए, हम ऑनलाइन कराते थक गए, सिक्योरिटी से और
अपने आपको से नहीं हुआ, तो आपको राशन नहीं मिला। और कई योजनाएं भी चली हैं, उज्ज्वला योजना की वजह से उसका कोई लाभ नहीं मिला हमारे गांव में, आपको लगन की कोई लाभ नहीं मिला। और लोग भी हमारे साथ में हैं, वो क्या बोलेंगे आप बताएंगे। आप अपना नाम क्या है? सुनील कुमार। सुनील जी, आप क्या वोट देते हैं? अभी नहीं, अभी वोट देना शुरू नहीं किया, पहला साल अभी आई है। पहला साल आई है, अच्छा चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, पहला साल आपका आया है। और सरकारों के बारे में आप जान रहे हैं, पार्टियों के बारे में नहीं जान रहे हैं। आज आप पहला अपना कीमती वोट किसको दे? अखिलेश को। ऐसा क्या खास है अखिलेश यादव? युवा। अरे अच्छा जी, पर मौजूदा सरकार तो बोलती है कि हमने तमाम बेरोजगारी दूर कर ली है और कई विकास कार्य किए जो पहली सरकार में नहीं हुए। अभी तक नहीं हुआ आपकी नज़र में? नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है जी। तो यहाँ हम मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं, यहाँ पर हमने पब्लिक प्राइम और सरकार के लोगों से बातचीत की, जिसमें हमने जाना कि कुछ लोगों का कहना तो ये है कि जो मौजूदा सरकार है उसके काफ़ी काम हुए हैं, उनको राशन पानी मिला है, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ और लोग भी मिले हैं जिनका ये कहना है कि मौजूदा सरकार में उनको कोई भी लाभ नहीं मिला। जो राशन पानी की जो सुविधा थी और जो उज्ज्वला योजना की जो सुविधा थी, वो उस योजना से अभी भी वंचित है। यहाँ पर किसी ने भी नज़र नहीं डाली है, यहाँ पर लाइट पानी की समस्या निरंतर अभी भी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार हमारी बनी तो है, यहाँ पे मोहनलालगंज के मौजूदा विधायक, यहाँ पे अभी मौजूदा विधायक सपा सरकार से तो है, लेकिन उनकी सत्ता ना होने की वजह से उन सभी योजनाओं का इनको लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि बीजेपी का दबाव इतना ज्यादा था कि जिस वजह से वो यहाँ पर काम नहीं करने पाए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं रामऋषि पांडे। आज हम पहुंचे हैं कन्नौज। सबसे पहले बात करेंगे छिबरामऊ विधानसभा की, क्योंकि इस विधानसभा में 2017 में कमल खिला था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने विधायिका अर्चना पांडे को इस विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब देखना ये होगा कि वो जिम्मेदारी पर कितना खरा उतरी है। प्राइम पब्लिक और सरकार के कार्यक्रम के माध्यम से हम पब्लिक से बात करेंगे कि पब्लिक का मूड क्या है, पब्लिक किसको विधायक बनाना चाहती है, क्या क्या सरकार बना रही, किसकी? कमल फूल की। क्या वजह है? क्या वजह? काम बढ़िया हुआ, अच्छा शासन अच्छा चला, गुंडागर्दी खत्म हो गई, अच्छा और क्या चाहिए, क्या कहेंगे भैया? हमारा नाम बबलू ठाकुर। अच्छा, क्या माहौल है? बीजेपी सरकार बन रही है। क्यों बन रही है? बीजेपी से बहुत ज्यादा फायदा है, राम मंदिर बनवाया इन्होंने, और जो भूमाफिया थे उनकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलवा कर गरीबों को वो जमीन प्रदान की है, राशन फ्री दे रही है सरकार। क्या माहौल भैया? भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा, क्यों बनेगी? भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया, योगी महाराज ने आप देख रहे हो गरीब लोगों को राशन दे रहे हैं, बिजली भी को भी कह दिया है बिजली में भी छूट देंगे, और आगे राम मंदिर भी बनवाया है, और पढ़ाई लिखाई में भी काफी अच्छा सुधार आया है जब से भाजपा की सरकार आई है, काफी अच्छा कर रहे हैं भाजपा सरकार, योगी महाराज बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी सरकार बनेगी। क्या माहौल है इस समय सपा? अच्छा, क्या वजह है? कुछ नहीं भगवान, सब चीज मिली, सड़कें बनवाई, हाईवे बनवाओ। अच्छा नहीं, और भाजपा सरकार में कोई काम नहीं हुआ क्या आपकी विधानसभा में? हमारी विधानसभा में वो भाव है। अच्छा, फिर भी आप कह रहे सपा बनवाएंगे? गाय दिलवाई दे इसलिए। अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे भाई साहब? अच्छा लेगी है, हमारे लोगों को फायदा है। अच्छा हाँ, लोग चिल्ला रहे महंगाई महंगाई कहाँ है, आज के 20 साल पहले मेरे गांव में 3 मोटरसाइकिलें थी, आज मेरे गांव में 124 मोटरसाइकिलें हैं, पेट्रोल तो 25 रुपए था, आज 100 रुपए पेट्रोल धोना चाहिए 500 रुपए, एक एक जोड़ी जूते नहीं थे, आज 5-5 जोड़ी जूते मेरे लड़के के पास आए, महंगाई है तो क्यों खरीद रहे? अब मेरे गांव में ये छोटा गांव है नंगला, यहाँ 59 मोटरसाइकिलें हैं, कहाँ महंगाई है, 5-5 हजार रुपए की लोग जैकेट लाते हैं, 3-3 हजार रुपए जूते लाते हैं, पहले जो है लोग भूखो मरते थे, आज के 20 साल पहले भटिया झोंकते झोंकते वहीं मर जाते थे, कहाँ महंगाई है? महंगाई तो नहीं है भैया, ये कह रहे महंगाई नहीं है, क्या कहेंगे? महंगाई कहाँ है? अब तो अगले सरकार में जो महंगाई का कोई ज्यादा थी क्या?
नहीं राशन आसन मिल रहा है ये कह रहे राशन मिल रहा है। अब की बार तो राशन मिला है भाजपा सरकार में? नहीं मिला है हमको। आपको नहीं मिला है? नहीं मिला है। अरे क्यों क्यों नहीं मिला है? क्या कार्ड आर्ड नहीं बनवाया क्या? कार्ड आर्ड में सब है, कोटदार भी नहीं दे रहा है। अरे क्यों क्यों नहीं दे रहा है? वो भी जाता है शिवराम। अच्छा अच्छा, क्या माहौल है भैया? बहुत अच्छा है, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। कभी सपने में भी नहीं सोचते थे 370 धारा हटेगी, सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा। जो आज मतलब कि पूर्ण रूप से सुरक्षा है, लड़कियां हैं हम लोगों की घर की, चाहे जहाँ कहीं भी घूमे फिर कोई समस्या नहीं रहती, कोई टेंशन नहीं रहती, कब आए कब जाएं कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छा काम कर रही है योगी सरकार और योगी ही सरकार बनेगी। चलिए उन लोगों से बात करेंगे, उन लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या माहौल है अम्मा? बढ़िया है माहौल, मोदी का बढ़िया। अच्छा क्यों है बढ़िया? सब गए थे फ्री, जो कुछ हो सब सबको सुविधाएं, कॉलोनी वगैरह सब देते हैं सब। अच्छा अब की बार? अब की बार मोदी को देंगे। अच्छा हाँ। अम्मा क्या नाम है? शकुंतला। अच्छा क्या माहौल है इस समय, विधानसभा चुनाव आ गया है? अच्छा है। क्या माहौल, किनकी सरकार बना रही? योगी की। योगी की। हाँ। क्या वजह है? मोदी सरकार हमको पेंशन देती है, राशन देती है। अच्छा। और गुंडागर्दी खत्म करी है। अच्छा हाँ हाँ माता जी, क्या माहौल है? बढ़िया है माहौल। किसकी सरकार बना रही? भाजपा। भाजपा की। अच्छा क्यों? कि हमें उससे आराम है, सभी सुविधाएं मिली उससे हमें। अच्छा हाँ। क्या क्या सुविधाएं मिल रही? गुंडागर्दी खत्म हो गई है। हाँ। क्या माहौल है ये बताओ? माहौल बहुत बढ़िया है हमारा, ये भाजपा को वोट मिलेगी। अच्छा हाँ। पूरा गांव दे रहा? पूरा गांव देगा। क्यों क्यों दे रहा? क्यों, राशन फ्री, पेंशन फ्री। अच्छा। और क्या नाम, गुंडागर्दी खत्म। अरे तौर से। अच्छा। हाँ पुलिस जगह जगह पे लगी, किसी की ताकत नहीं थी। अरे? जो बनवा लेता राम मंदिर। अच्छा। इतनी सरकारें आई चली गई, योगी की ताकत थी और मोदी की। जो राम मंदिर बना है, जो हिंदू धर्म जाएगा पूजा करेगा मंदिर बैठ के, किसी की ताकत नहीं, सब में ताले पड़ गए थे। अच्छा हाँ। कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी है, बाजार हजार जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह पुलिस लगी। अच्छा हाँ, हर जगह पुलिस लगी, आराम से बाजार करते, घर में आते, ना कोई चोरी, ना बदमाशी, ना टोके, ना रोज राज नहीं होती थी। रोज लड़कियां करने जाती थी बाजार में, डर के आती थी, कोई भाई पकड़ता, कोई धक्का मारता, अब कुछ नहीं होता। अच्छा हमारे साथ एक सिस्टर और हैं। सिस्टर क्या इस समय सरकार बना रही है? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इस टाइम। क्या क्या कानून व्यवस्था में क्या क्या? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है इस समय सरकार की, योगी सरकार की। हाँ तो भाजपा सरकार बनवा रही है? भाजपा को ही वोट देंगे, हमेशा से देते आए, आगे भी देंगे। हम लोगों के लिए आजकल बहुत सुरक्षा है, लड़कियां कहीं भी जाए स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकती है, कितनी भी रात चाहे आधी रात हो चाहे सुबह हो चाहे जब भी जाए कहीं भी जाए ना कभी। अब तो पहले तो इतना डर था, अम्मा बिना भाई बाप के साथ नहीं निकल पा रही थी लड़की, आजकल तो फ्री जाए कहीं भी जाए, कितने भी टाइम जाए, कोई वो नहीं, ना कोई डर। क्या नाम है भैया? ऋषि। अच्छा किस समाज से आते हो आप? हम जाटव समाज से आते हैं। अच्छा अच्छा, क्या माहौल है आपकी छिबरामऊ विधानसभा में? हमारी मदद में अर्चना पांडे जी जीत रही हैं। अच्छा क्यों, क्या कारण है? कारण है महिलाओं की सुरक्षा, राशन, बेरोजगारी दूर हुई, एकदम भयमुक्त पूरा प्रदेश है। अच्छा पहले तो जाटव समाज बसपा में था, अब आप कह रहे हो भाजपा में वोट दे रहे? जब हमारे यहाँ प्रत्याशी कोई नहीं है और कहीं बसपा का वर्चस्व ही नहीं रहा तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं अगर वर्चस्व होता तो फिर, अगर बच्चा सोता जब वर्चस्व ही नहीं रहा और सरकार भी नहीं, बहन जी की सही चली, जब योगी जी की सरकार सही चला, सही काम, किसी पक्षपात नहीं हुआ, इसलिए हम लोग भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा आप दलित समाज से आते हैं तो ऐसा तो नहीं है आपको कोई परेशान करता हो भाजपा सरकार में, कभी कोई सुना हो? नहीं हमें क्या परेशानी है, हमें क्यों परेशान कर पाएगा, हमें कोई बहुत सुनाई नहीं जो कि परेशान करेगा, अपना कमाते अपना खाते। जो लोग ज़्यादा राजनीति के उनको परेशान होगी, जो नहीं कमा पाते, राजनीति पैदा करते थे, वो माफिया थे, वो लोग उनको परेशान होगी, मुझे क्या परेशानी होगी। अच्छा इस सरकार में कोई आपको भाई डर कोई हो? मुझे कोई भाई डर नहीं है। एक भैया और मेरे साथ मौजूद, भैया क्या नाम है? अवनीश कुमार बाथम। अच्छा बाथम समाज से आते हैं, क्या माहौल है आपकी विधानसभा छिबरामऊ में? माहौल तो ठीक है, पिछले इलेक्शन के हिसाब से इस बार माहौल ठीक है, जो वोटिंग पहले हुई थी उससे ज़्यादा होने की अपेक्षा है। अच्छा तो भाजपा ही पार्टी आपने क्यों चुनी, और भी पार्टियां थी, सपा थी, बसपा थी, कांग्रेस है, निर्दलीय और भी कई प्रत्याशी अपनी छिबरामऊ विधानसभा में, लेकिन आपको भाजपा ही क्यों पसंद है? ऐसा है, भाजपा इसलिए पसंद है क्योंकि हमारा वोट भाजपा में ही जुड़ता है, ना तो हमारा बसपा में जुड़ेगा ना सपा में, इसलिए मुझे भाजपा हमेशा पसंद थी, हमेशा है और रहेगी।
भैया एक और मेरे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है भैया? मनीष शर्मा। अच्छा, शर्मा समाज से आते हैं, क्या माहौल है आपकी विधानसभा में? मेरे यहाँ माहौल यही है, अर्चना बुआ जी को जिताना है। अच्छा, क्यों, क्या कारण? उनके कार्य सारे बढ़िया हैं और उनके कार्य में कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई धांधलगर्दी नहीं, और उसके बाद आदमी जैसे चाहे वैसे रह सकता है। हमारी विधानसभा में माननीय हमारी बहन जी अर्चना पांडे, नो डाउट, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है उनकी जीत के लिए। और मेरा मानना है कि बहुत अच्छे मतों से, पिछली बार से ज़्यादा अच्छे मतों से इस बार उनकी विजय होगी। विधानसभा में स्थिति, बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है और पहले से अच्छे मतों से अब की बार दीदी जी की विजय होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।